इन एल्कीन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि इसमें आपको बोला है स्ट्रक्चर्स दिया, एग्जाम्पल वन, जैसे कि आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर दूसरा बोला है और एक और तीसरा दिया है। इसमें आपको पूछा है किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, ओके और चलो और इसके आगे और दो लेते हैं। सबसे पहले कितना अल्फा एच है वो जरा कैलकुलेट करना, और कितना रहेगा इसको ए लिखना, या आएगा बी सी डी और यह आएगा ई। पहले में कितना है अल्फा हाइड्रोजन, यही नहीं, दोनों sp2 है। सेकंड वाले में तीन, थ्री। थर्ड वाले में थ्री, नहीं। ये देखो यहाँ पे सिर्फ CH2 पार्टिसिपेट करने वाला, तो यहाँ पे आएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट वन रहेगा, ये कार्बन देखो इसमें सिर्फ तीन ही बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा और यही पार्टिसिपेट करेगा। तो लास्ट वाले में जीरो है, देखो ये कार्बन इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है, सो पॉसिबल ही नहीं है, तो इधर आएगा। अब आपके हिसाब से सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा इसमें से, सबसे ज्यादा सी का बी आएगा ना, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बी में है ना, तो बी का जो डबल बॉन्ड लेंथ रहेगा ये सबसे ज्यादा रहेगा। फिर कौन आएगा, फिर कौन आने वाला है, फिर ए और ई सेम रहेगा। क्लियर है कैसे बॉन्ड लेंथ प्रेडिक्ट करते, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चलिए आपको जस्ट सेफ साइड में रखने के लिए सिखा रहा हूँ। चलो फिर इसके बाद है नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो बार ही एग्जाम में पूछा गया है। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, अब यहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से समझ में आना चाहिए कि ये क्या करेगा, कार्बन का जो बॉन्ड है उसको पूरा खींच डालेगा। हाइड्रोजन पिछले बार क्या कर रहा था, पूरा अपना बॉन्ड डोनेट कर रहा था, यहाँ पे उल्टा होता है, वो पूरा खींचेगा उसको, ओके तो क्या होएगा एग्जैक्टली, ये देखो ये जो बॉन्ड है ये इसके पास खींचेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन के पास अभी सिर्फ कितना बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है, देखो 3 बॉन्ड है ना, तो क्या होएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर स्विच अप हो जाएगा, ये हो गया CH, यहां पे ये डबल बॉन्ड चला गया, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसके साथ भी हो सकता था, इसके साथ भी हो सकता था, इसको रिवर्स कॉन्जुगेशन बोलते हैं। रिवर्स कॉन्जुगेशन में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेता हो, ठीक है, आप लोग बाकी के दो के लिए ट्राई करो और फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का ट्राई करो। इसका डायरेक्टली रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ, आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो।
सही है, सी और सी एच में जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ के सी एच टू के वजह से है ना? यस, देखो ना इधर आरो बना है ना मैंने, तो वो नेगेटिव साइन एक्स पे क्यों आया है? नेगेटिव साइन एक्स पे क्यों है, क्योंकि उसने पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिया है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है सी एच टू के ऊपर, लोग पाथ लिखते रहो है। जिनका लिख के हो गया वो लोग ये ट्राई करना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना इसके लिए। यहाँ पे ये O माइनस आएगा, ट्राई करना वैसे। पहले नेगेटिव बॉन्ड कहां पे शिफ्ट होएगा? डबल बॉन्ड के पास, डबल बॉन्ड की तरफ, ये डबल बॉन्ड जाएगा यहां पे। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ होएगा, एक दो तीन और यहाँ पे आएगा चार, फिर नेगेटिव आगे शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये नेगेटिव आगे शिफ्ट होएगा, ये जाएगा ऊपर की तरफ, इसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, ये यहां पे आने वाला है। अब इधर दो चीज हो सकता है, यहाँ पे स्विच कर सकता है, नहीं तो ये लेफ्ट साइड पे स्विच कर सकता है, तो दोनों पॉसिबल है यहाँ पे, एक ये हो सकता है। ठीक है, हम लोग किसके साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे स्विच होएगा, जिसकी वजह से एक सेकंड रुको, इधर नहीं आएगा, ये इधर स्विच होएगा, इसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, एक सेकंड, नेगेटिव चार्ज, एक सेकंड है थोड़ा गलत बना है, फिर नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता है, तो ये वाला पार्ट आगे जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आगे शिफ्ट होएगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट होएगा, फिर इधर डबल बॉन्ड आएगा, और पॉसिबल है क्या इसके बाद, फिर ये इस पे अटैक करेगा, तो सर ये आगे जाएगा, फिर वापस ये बेंजीन रिंग बन गया, फिर ये कहाँ पे स्विच होएगा,
इधर नेगेटिव चार्ज आएगा ये वाले पार्ट पे, यहाँ पे ये, फिर इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होएगा, ये आगे शिफ्ट होने के बाद से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाला पार्ट आगे स्विच होएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होएगा और ये वापस, इधर से भी एक चीज हो सकता था, दैट वाज ये लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट होता तो ये साइड का रिंग अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, ये वाला पार्ट लेफ्ट में शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड होएगा, ये जो ऑक्सीजन है 1 2 3 ये ऑक्सीजन का जो लोन पैर इस पे शिफ्ट होएगा, इधर बेंजीन पे एकदम, तो इतने सारे रेजोनेटिंग सर्कल्स यहाँ पे, इधर ये इस तरफ भी हो सकता है, इसपे ले आया है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये ट्राई करो, ये होने के बाद ये ट्राई करो ये क्वेश्चन, सबसे पहले डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा, बरोबर किया क्या ये, क्या सही है क्या गलत, नेगेटिव चार्ज तो ये इधर जाएगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा, ये डबल बॉन्ड ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव मतलब ये इधर स्विच ऑन, सॉरी ये इधर जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट एक इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है, दोनों जगह पे जा सकता है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे ये वाले पार्ट से, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, इधर स्विच होएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, फिर एक सेकंड, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे स्विच हुआ,
ओके इधर नेगेटिव चार्ज आ सकता है क्या? नहीं इधर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कहाँ पे स्विच हो सकता है? नीचे के तरफ स्विच करके देखना, ये नेगेटिव चार्ज एक ये वाले कार्बन पे आएगा, फिर ये इधर रहने वाला है, इधर रहेगा। फिर अब यहाँ पे दो साइड से अटैक हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से अटैक करते हैं। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आगे की तरफ स्विच होएगा, तो इधर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये आगे स्विच होएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर स्विच होने वाला है, फिर ये नेगेटिव चार्ज आपसे स्विच हुआ तो हो सकता है कि ऑनरेश ये इधर आ जाएगा, सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहेगा ना? ऑक्सीजन हाँ इधर डबल बॉन्ड रहेगा, कोई नहीं सॉरी, फिर ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एक दो तीन यहाँ पे ये इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इधर चला जाएगा, इधर है ठीक है। यहाँ पे ये जो स्विच है ये अभी इस तरफ करना, ये वाला पार्ट पे, और इसको नीचे जरा बना लेना। अब सपोज इस तरफ स्विच होएगा तो ये लेफ्ट साइड का रिंग है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन ये इधर स्विच होने की वजह से यहाँ पे इस पे डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, ये आगे की तरफ स्विच होएगा, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज होने वाला है, फिर ये वाला पार्ट आगे स्विच होएगा, ये वाला ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर को मैं ऊपर बना रहा हूं, ये एक ये दो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये वाला स्पेशल जो स्ट्रक्चर है इधर बना रहा, जब हम लोग लेफ्ट साइड पे इसको स्विच करते हैं तो इधर नीचे का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वापस बना देता हूं ताकि आपको जहां पे दोनों साइड पॉसिबल है ना, तो उसको जरा मतलब सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके देखना, ये रेड के साथ में बना रहा, जब हम लोग राइट के साइड स्विच करेंगे तो क्या होएगा, तो ये बना के दे रहा हूं। इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज 9, ऊपर वाले में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 9 नहीं था, टोटल 10 था, ज्यादा स्टेबल ऊपर वाला रहेगा एज कंपेयर टू, ठीक है। ये दो एग्जांपल को आप वापस अपने घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। चल तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सर 80 है ना? क्या क्या 80 है आपका फर्स्ट और सेवेंथ सेम है? फर्स्ट और सेवेंथ सेम है, एक सेकंड रुको, जस्ट एक सेकंड।